नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई है इस बार जिसने पूरे भारत में हलचल मचा कर रख दी है। बड़े बड़े कट्टर मौलाना बयान देने लग गए और तो और भारत में कट्टरपंथी वर्ग में खलबली देखने को मिल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद पर आए एक फैसले की जिसने राजनीतिक उथल पुथल तो मचाई है, साथ में एक कट्टरपंथी वर्ग के अंदर खलबली मचा के रख दी है। दरअसल वो फैसला है ज्ञानवापी के परिसर में पूजा को लेकर, जहाँ 1993 में जब नारा लगा था मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तभी राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि अब ज्ञानवापी परिसर में पूजा पर रोक लगा दी जाएगी और तब से ज्ञानवापी परिसर में पूजा नहीं हुई। लेकिन अब न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अब ज्ञानवापी परिसर में जहां पूजा होती थी अब वहां पूजा नियमित रूप से होगी। अभी हाल ही में आई एसआई रिपोर्ट में यह पूरी तरह से तय हो गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद पूरी तरह से एक मंदिर है, और उसके बाद न्यायालय का यह निर्णय आना अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात है। न्यायालय ने यह कहा है कि 7 दिन के अंदर उस स्थान पर बैरिकेडिंग लगाई जाए और हिंदुओं को वहां पर पूजा करने की पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। इस बारे में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़कर शब्दशः बताना चाहूंगा। ये कहते हैं कि जिला प्रशासन अब व्यवस्था करेगा और वहां जल्द ही पूजा पाठ शुरू हो जाएगी, और इसके लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया है, और जिसे मुस्लिम वजू खाना बताते हैं वहां पर शिवलिंग मिला था। दोस्तों, ये फैसला वाराणसी की जिला अदालत ने दिया है। यह फैसला अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है जो आगे इस केस की दिशा तय करने वाला है। इसके बारे में विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि 30 साल पहले एक सरकार ने किस तरह हिंदुओं के अधिकार को छीना था, लेकिन अब कोर्ट ने उस अधिकार को हिंदुओं को वापस दिया है। जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो पूजा करने जरूर जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। देखिये, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। देखिये वहाँ पे, वही मैं बता रहा हूँ उसकी निटी गिटीज में, वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है, अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा, ये कोर्ट ने तय कर दिया 7 दिन के अंदर? जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने के लिए। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है, और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। अब जो लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे अब वह यहाँ पर भी जा सकते हैं। सिर्फ 7 दिन की बात है, 7 दिन के अंदर कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस जगह पर पूजा की सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। और तो और कोर्ट ने यह भी माना कि मस्जिद के अंदर हिंदू प्रतिमाएं हैं, हिंदू अवशेष हैं, और तो और वो सारे सबूतों पर कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जो एसआई रिपोर्ट में मिली है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी राय अवश्य कमेंट करें, इससे जुड़ी और भी अगर कोई खबर आती है तो वह भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।